वैसे तो भारत में सैकड़ों दरगाह मौजूद है, मगर उन सब में जो सबसे ज्यादा चर्चित दरगाह है वो मुंबई में मौजूद हाजी अली की दरगाह है। इस दरगाह के बारे में मशहूर है कि यहाँ लोगों की सभी मन्नतें पूरी होती है। इस दरगाह को काफी चमत्कारिक भी माना जाता है। इसकी वजह यह है कि भयानक से भयानक तूफान और सुनामी में भी इस दरगाह को कोई नुकसान नहीं पहुँचता है, और समुद्र के बीचों बीच होने के बावजूद इस दरगाह के अंदर पानी का एक कतरा तक नहीं आता है। आखिर इन सब दावों की सच्चाई क्या है और हाजी अली दरगाह की स्थापना कब और किसने करवाई थी, चलिए जानते हैं सब कुछ वीडियो में आगे। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना न भूले। दोस्तों, हाजी अली की दरगाह मुंबई के वर्ली तट के निकट अरब सागर के बीचों बीच स्थित एक छोटे टापू पर स्थित है। ये दरगाह मुख्य सड़क से लगभग 400 मीटर अंदर की तरफ समुद्र में है। यहाँ दरगाह के साथ साथ एक मस्जिद भी है। हाजी अली की दरगाह को सैयद पीर हाजी अली शाह बुखारी की याद में सन 1431 में बनाया गया था। अब चलिए आपको बताते हैं कि सैयद पीर हाजी अली शाह बुखारी कौन थे। दरअसल सैयद पीर हाजी अली शाह बुखारी का जन्म 14वीं शताब्दी में उज़्बेकिस्तान के बुखारा में हुआ था। इनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जो काफी अमीर था, तो हाजी अली का बचपन वहीं बीता। लेकिन जैसे जैसे हाजी अली बड़े होते हैं उनका झुकाव धर्म की तरफ होता गया और वो व्यापार के साथ साथ धर्म के प्रचार प्रसार में भी लग गए। धर्म के प्रति उनकी आस्था इतनी ज्यादा गहरी हो गई थी कि ये अपने समय के सबसे बड़े धार्मिक गुरु के तौर पर पहचाने जाने लगे थे। इनका हर काम इस्लाम धर्म के अनुसार ही होता था, क्योंकि उस जमाने में इस्लाम अरब देशों में तो फैला हुआ था मगर भारत में बड़े स्तर पर इस्लाम अभी तक नहीं फैला था। तो इसलिए इस्लाम के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से तथा व्यापार के उद्देश्य से सैयद पीर हाजी अली शाह बुखारी अपने एक अन्य साथी के साथ उज़्बेकिस्तान से सफर तय करते हुए मुंबई पहुंचते हैं और वो उसी जगह को अपना ठिकाना बनाते हैं जहां पर आज हाजी अली की दरगाह है। यहां रहते हुए वो व्यापार भी करते थे, साथ ही इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार का भी काम करते थे, क्योंकि ये अपना व्यापार बेहद ईमानदारी से करते थे और इसी वजह से इनके व्यापार में काफी तेजी से तरक्की होती चली गई और वो यहाँ भी काफी धनवान बन गए। एक समय के बाद उनका साथी वापस उज़्बेकिस्तान चला जाता है, लेकिन सैयद शाह बुखारी मुंबई में ही रुककर इस्लाम के प्रचार प्रसार करने का फैसला करते हैं। ऐसा करते हुए जब एक लंबा वक्त गुजर गया तो उन्होंने हज पर जाने का निर्णय लिया, और हज पर जाने से पहले हाजी अली अपना सभी धन दौलत गरीबों में दान कर देते और हज पर निकल जाते हैं। आप लोग जानते होंगे कि इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग सऊदी अरब के मक्का शहर में हज करने जरूर जाते हैं, और उस समय हज करने जाने का एक ही साधन था और वो था पानी में चलने वाले जहाज। अन्य यात्रियों के साथ हाजी अली भी हज की नीयत से मक्का के लिए निकल जाते हैं, लेकिन कहा जाता है कि जब ये सभी लोग मक्का के रास्ते में थे तभी बीच समंदर में हाजी अली की तबीयत बिगड़ गई और अचानक उनकी मौत हो गई। रास्ते में मौत होने की वजह से लोग उनके शव को एक ताबूत में रखकर समुद्र में डाल देते हैं, और कहा जाता है कि ऐसा करने के लिए हाजी अली ने पहले ही अपने समर्थकों से कहा था। कहा जाता है कि हाजी अली के ताबूत को मुंबई से सैकड़ों किलोमीटर दूर समुद्र में डाला गया था, लेकिन वो ताबूत बहता हुआ उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर आज हाजी अली की दरगाह बनी हुई है। जब लोग हाजी अली के ताबूत को इस जगह पर देखते हैं तो कई विद्वानों से राय मशवरे के बाद उसी जगह पर हाजी अली की दरगाह बना देते हैं। हाजी अली की दरगाह का निर्माण इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर पर आधारित है और इसे इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का बेहतरीन उदाहरण भी माना जाता है। दरगाह के बनने के बाद से ही इससे जुड़ी चमत्कार की खबरें आम होने लगी और इसके साथ ही सभी धर्मों के लोगों का जुड़ाव इस दरगाह से होने लगा। हाजी अली की दरगाह उन चुनिंदा दरगाह में शामिल है जहां इस्लाम धर्म के अलावा अन्य धर्मों के लोग भी आते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं। कहा जाता है कि इस दरगाह पर लोग जो भी मन्नत मांगते हैं वो जरूर पूरा होता है। हाजी अली की दरगाह को चमत्कारी दरगाह भी माना जाता है। इसकी वजह यह है कि समुद्र के बीचों बीच मौजूद होने के बावजूद इस दरगाह में कभी भी समुद्र का पानी नहीं जाता है। 1949 मुंबई में बहुत भयानक सुनामी आई थी और समुद्र में काफी ऊंची ऊंची लहरें उठी थी। ऐसा लग रहा था कि पूरा शहर ही तबाह हो जाएगा। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि इस तूफान में हाजी अली की दरगाह भी नष्ट हो जाएगी। तूफान के समय हाजी अली दरगाह के अंदर कुछ लोग भी फंसे हुए थे। उन्होंने देखा था कि ऊंची ऊंची लहरें उठती है
मगर दरगाह की दीवार से टकराते ही वो बिल्कुल शांत पड़ जाती है। कई लोगों ने यहाँ पर और भी कई अनोखी चीजों का अनुभव किया था। 1949 की तूफान में जहाँ सारा मुंबई डूब गया था, वहीं हाजी अली की दरगाह में जरा सा भी पानी नहीं गया था और लोगों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। और इसके बाद और भी संख्या में लोग हाजी अली की दरगाह पर आने लगे। हाल ही में देखे तो 2005 में मुंबई में बहुत भयानक बारिश आई थी और मुंबई का लगभग हिस्सा पानी में डूब चुका था, सड़कें खराब हो गई थी, लेकिन हाजी अली की दरगाह को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा था और ये भी किसी चमत्कार से कम नहीं था। इन्हीं सब वजहों से आज भी लोगों की आस्था हाजी अली दरगाह के प्रति बहुत ज्यादा गहरी है और सभी धर्म के लोग यहाँ जरूर आते हैं। आंकड़ों के मुताबिक हाजी अली दरगाह पर रोजाना 8 से 10 हजार लोग आते हैं। यहाँ बड़ी संख्या में दूसरे धर्मों के लोग भी आते हैं और साथ ही विदेशों से भी यहाँ लोग आते हैं और अपनी मुरादें पूरी करवाते हैं। तो दोस्तों, हाजी अली दरगाह के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही अमेजिंग जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों। आपको स्क्रीन पर दो और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।